Hello students, good morning. This is Anupama Labhe and I am here for your subject HRM. And today I am going to explain you the term placement, its significance and the problems which arises in placing the candidate. Okay. So let us start with our concept of placement. Placement is a process of assigning specific job to each of the selected candidate. It implies matching the requirement of the job with the qualification of the candidate. क्या है प्लेसमेंट? प्लेसमेंट इज अ प्रोसेस. यस, इट इज अ प्रोसेस. इन लास्ट लेक्चर्स वी हैव सीन व्हाट इज रिक्रूटमेंट. आफ्टर रिक्रूटमेंट, व्हेन रिक्रूटमेंट एंड्स, प्लेसमेंट स्टार्ट्स, ऐसा हम लोग कहते हैं. क्या है ये प्लेसमेंट, कैसे होती है, ये भी प्रोसेस है. उसमें भी देखा जाता है कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उससे अकॉर्डिंग हमें कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है. और जैसे वो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है उसे प्रॉपर जॉब के लिए असाइन किया जाता है, प्लेस किया जाता है, एंड दैट इज नोन एज प्लेसमेंट. तो प्लेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ स्पेसिफिक जॉब. देखिए यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक जॉब है उसे अलॉट किया जाता है. एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको. जैसे टीचर्स की अपॉइंटमेंट हो रही है, कॉमर्स का टीचर है, कॉमर्स के लिए सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, आप भी जानते हो. तो कॉमर्स के लिए ये दी गई थी, एडवर्टाइजमेंट दिया था, लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया, फिर बाद में उसका सिलेक्शन हो गया. अभी उसे क्या करना है, प्रॉपर जगह पे प्लेस करना है, दैट इज नोन एज प्लेसमेंट. तो ये देखा जाता है कि वो कहाँ पे ज़्यादा कैपेबल है. हो सकता है वो अकाउंट्स में कैपेबल हो सकता है वो लॉ में कैपेबल हो सकता है वो मैनेजमेंट में कैपेबल हो सकता है वो मार्केटिंग में कैपेबल हो. तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है, उसकी जो खूबियाँ है, उसे आइडेंटिफाई करके पर्टिकुलरली वो जॉब उसे असाइन किया जाता है, एंड दैट इज नोन एज प्लेसमेंट. तो इट इम्प्लाइज मैचिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब विद द क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट. यानी जो जॉब के रिक्वायरमेंट है उसके साथ वो कैंडिडेट को मैच करके उसे उस जॉब को असाइन करना, दैट इज नोन एज प्लेसमेंट. क्लियर है? अभी हम लोग देखते हैं कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है. देखिए अगर मुझे एक काम दिया गया है जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा क्वालिफिकेशन है लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली जो काम मेरी तरफ से होने जा रहा है उसका जो एंड रिजल्ट होगा वो मुझे अच्छे से नहीं मिलेगा, और जिसने मेरी अपॉइंटमेंट की है वो भी डिसअपॉइंट हो जाएगा. बराबर है कि नहीं है? इसलिए ये जो प्लेसमेंट है उसका सिग्निफिकेंस फॉर द एम्प्लॉई एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या है, चलो देखते हैं. इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मॉरल. मुझे वही काम दिया गया है जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है और जिसका मुझे नॉलेज भी है, ऑब्वियसली क्या होने वाला है, मैं उसमें और नए नए डेवलपमेंट देखूंगी, मुझे वो करने में बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्ट और बढ़ेगा. ऑब्वियसली जो काम करने में आपको इंटरेस्ट है, मज़ा आ रहा है, तो आपका मॉरल कैसे होगा, बूस्टअप होगा कि यस आई कैन डू दिस वर्क. बराबर है? कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाता है. इसी वजह से क्या होने वाला है, इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मॉरल. और अगर हमें ऑर्गेनाइजेशनल काम अच्छे से रन करना है, हमें प्रॉफिट, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग. और प्रॉफिट कब होता है, जब आपके एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड विद देयर वर्क एंड दे आर गिविंग देयर 100%. अगर मेरी तरफ से 100% आउटपुट मिल रहा है, आजकल तो एक्सपेक्ट किया जाता है मोर देन 100%, तो ये जब मिल रहा है तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, उस एम्प्लॉय का मॉरल बढ़ने वाला है और साथ साथ कंपनी को भी उससे बेनिफिट मिलने वाला है, एंड दैट इज द बिगेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेसमेंट. सेकेंड वन इज रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर. व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉय टर्नओवर? ये जॉब पकड़ना, फिर ये छोड़ना, दूसरी जगह पे चले जाना, फिर वो छोड़ना और तीसरी जगह पे चले जाना, दैट इज नोन एज एम्प्लॉय टर्नओवर. अब ये एम्प्लॉय टर्नओवर कब रहेगा, समझ लीजिए कि आपकी एक जगह पे एम्प्लॉयमेंट हो गई है और आपने जिस तरह से एक्सपेक्ट किया था वो जॉब को, बस जॉब उसी तरह से आपको, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर रहा है, आपको भी उसमें बड़ा मज़ा आ रहा है, आपको जो पोजीशन चाहिए वो मिल गई है, आपको जो अदर एमिनिटीज चाहिए वो भी आपको मिल गई है, तो क्या आप वो कंपनी को छोड़ के जाना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं. और आपको लग रहा है कि मुझे वहाँ पे और प्रोस्पेक्ट्स मिलने वाले हैं और मेरी डेवलपमेंट यहीं पे रह के होने वाली है, तो क्या आप कभी भी उस कंपनी को छोड़ के जाने के लिए तैयार होगे? बिल्कुल भी नहीं. यानी अगर वो एम्प्लॉई की प्रॉपर जगह पे प्लेसमेंट हुई है तो ही विल एन्जॉय हिज वर्क एंड देयर इज लिटिल चांसेस ऑफ लिविंग ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन. यानी वो आपकी कंपनी को छोड़ जाने के चांसेस कैसे रहेंगे, बहुत ही कम रहेंगे. ठीक है? तो रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर. रिड्यूसेस अब्सेंटिज्म.
बिल्कुल, अगर बार बार आप अपसेंट रह रहे हो, आप अपसेंट कब रहते हो? समझ लीजिए कि आपके जैसे लेक्चर्स हैं, आपको एक लेक्चर बहुत पसंद है, और बारिश भी आ रही हो, आपको कोई और इम्पोर्टेंट काम हो, तो भी आप क्या करोगे? वो लेक्चर को तो जरूर से अटेंड करोगे। बाकी सोचोगे जो आपको पसंद नहीं आता है, अरे यार आप बहाने ढूंढते रहते हो, बस लेट हो गई, गाड़ी पंक्चर हो गई, और न जाने कितने सारे आपके पास रीजंस रहते हैं वो पर्टिकुलर लेक्चर में अब्सेंट रहने के लिए। बराबर है, क्यों? क्योंकि आपको वो अटेंड करने में मज़ा नहीं आ रहा है। वैसे ही अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो काम दिया हुआ है वो अगर पसंद नहीं आ रहा है, या यू आर नॉट फिट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, देन देर आर मोर चांसेस ऑफ यूर बिकमिंग अब्सेंट फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। तो आप क्या करोगे, वो पर वर्क के लिए या वो उसमें आप बहानेबाजी बहुत करोगे और आपकी एब्सेंटिज्म बढ़ेगी। लेकिन रिड्यूस कब होगी? प्रॉपर पर्सन व्हेन प्लेस फॉर अ प्रॉपर जॉब। मजा आ रहा है तो हम लोग और उसमें नया नया करने के लिए सोचते हैं, और लिटिल चांसेस रहते हैं हमारे, बहुत ही कम चांसेस रहते हैं हमारे वहाँ पे एब्सेंटिज्म। रिड्यूसेस एक्सीडेंट रेट्स। देखिए एक्सीडेंट्स कब होते हैं? जब आपका मन नहीं लग रहा है किसी का भी। जब ये देखिए यहाँ पे हम लोग जो एक्सीडेंट्स बोल रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीडेंट्स बोल रहे हैं। एक्सीडेंट्स से नहीं, कहीं पे आपसे कुछ टूट भी जाता है। देखिए आप अगर प्रोडक्शन में लगे हुए हो, आपसे कोई थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो प्रोडक्शन में भी क्या आ जाती है, कमियाँ। जो प्रोडक्ट एंड आउटपुट जो आपकी तरफ से बन रहा है वो भी कैसे बनने वाला है, डिफेक्टिव बनेगा। एक्सीडेंट्स क्या होते हैं? हमारा ध्यान नहीं है, कहीं पर कुछ गड़बड़ हो जाती है, कहीं पे लीकेजेस हो जाते हैं, हो सकता है कि किसी का हाथ या किसी का पैर भी वो मशीन में चला जाए। बराबर है, तो ये जो चांसेस है वो क्यों रहते हैं? क्योंकि आपको उसका नॉलेज ही नहीं हो पर्टिकुलर जॉब का। जब मुझे वो पर्टिकुलर जॉब का नॉलेज रहता है तो हाउ टू हैंडल द मशीन्स, ये मुझे बराबर अच्छे से मालूम होता है। जब मुझे वो मालूम है कि यहाँ पे हाथ लगाने से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या वहाँ पे हाथ लगाने से रिस्क ज़्यादा बढ़ सकती है, तो मैं ऑलरेडी प्रिकॉशंस लेके उस मशीन को हैंडल करूँगी। लेकिन जब मुझे उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो कहीं पे भी हाथ चला जाएगा और एक्सीडेंट के चांसेस जो है वो बढ़ेंगे। इसीलिए प्रॉपर जॉब के लिए प्रॉपर पर्सन का प्लेसमेंट किया जाता है टू रिड्यूस द एक्सीडेंट रेट्स। देन देखिए अवॉइड्स मिसफिट बिटवीन द कैंडिडेट एंड जॉब। बराबर है, अभी जो इतना सारा हमने देखा है उसमें ही क्या हो रहा है कि अगर प्रॉपर पर्सन का प्लेसमेंट वहाँ पे हो गया तो क्या होने वाला है, अवॉइड होने वाला है मिसफिट। मिसफिट किसमें होता है? जो एम्प्लॉय का आपने सिलेक्शन किया है और जो जॉब आपने उसे असाइन किया है उसमें क्या होगा, मिसफिट होगा व्हेन यू प्लेस अ प्रॉपर पर्सन फॉर अ प्रॉपर जॉब। तो हमें क्या नहीं देखना है कि वहाँ पे मिसफिट नहीं हो रहा है, इसीलिए कहा गया प्लेसमेंट इज अ प्रोसेस। वहाँ पे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, फिर उसमें देखा जाता है उसके पर्सनल स्किल्स भी क्या होने चाहिए। बराबर है, फिर देखा जाता है उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसके अदर को करिकुलर एक्टिविटीज में किसमें उसको इंटरेस्ट है वो भी फाइंड आउट किया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली द जॉब इज असाइन टू दैट पर्सन। और इसी वजह से मिसफिट जो है वो अवॉइड किया जाता है। इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही क्या देखा था, प्लेसमेंट इज अ प्रोसेस। सिंगल ये नहीं है, उसमें बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है एंड देन ओनली द पर्सन इज मैच्ड विथ द जॉब। देन अचूज प्री डिटरमिन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑब्जेक्टिव तो एस्टेब्लिश होती ही नहीं है। सबसे पहले उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनके एम्स क्या है, उनके गोल्स क्या है, ये फाइंड आउट करना होता है, एंड अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाता है। फिर उसमें अलग अलग जॉब्स कौन से होंगे वो फाइंड आउट किया जाता है, और वो जॉब्स जब अलग अलग हम लोग फाइंड आउट करते हैं फिर ये देखते हैं कि पर्टिकुलरली व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दैट जॉब फ्रॉम द एम्प्लॉय। बराबर है, और फिर एम्प्लॉय को वो जॉब परफॉर्म करने के लिए रखा जाता है, और इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स जो है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयज आर फुलफिल। बराबर है ना, क्योंकि पहले गोल्स देखे गए, एम्स देखे गए हैं, फिर जॉब को उस तरह से फ्रेम किया गया है, फिर जॉब की एक्सपेक्टेशंस क्या है वो देखी गई है, और फिर एम्प्लॉय को वहाँ पे अपॉइंट किया गया है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय को जो जॉब दिया गया हुआ है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, और उसने जब उसे अच्छे से परफॉर्म किया है तो ही ऑर्गेनाइजेशनल जो एक्सपेक्टेशंस है, ऑर्गेनाइजेशन जो गोल्स है उसे अचीव करने में आपको आसानी चाहिए।
एंड दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेसमेंट. होता है बहुत बार कि आप बहुत हाईली क्वालिफाइड है लेकिन अगर आपको जो जॉब दिया गया है वो बराबर नहीं होगा, तो आप कितने भी होशियार हो, आप में कितना भी टैलेंट हो, आप में कितनी भी स्किल हो, लेकिन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब इफ़ यू आर नॉट सुटेबल देन व्हाट विल बी द रिजल्ट. आप भी परेशान हो जाओगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है हाँ मुझे सब कुछ आता है वो भी क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा. ऑर्गेनाइजेशन को भी आपके वजह से क्या होने वाली, प्रॉब्लम होने वाली है. तो दोनों का लॉस हो रहा है, और दोनों का ही लॉस नहीं हो रहा है, कंट्री का भी लॉस हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सही में जो क्वालिफाइड पर्सन था उसे जो जगह देनी चाहिए थी वो ना देते हुए उसे आपने कुछ और जगह पे रख दिया, और वहाँ पे उसने अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया. तो जिस काम में वो कैपेबल था वो भी अब करने में वो सक्षम नहीं रहेगा, और ऑर्गेनाइजेशन को तो लॉस हो ही रहा है, और अच्छे लोगों को लूज करने की वजह से ओवरऑल इकोनॉमी को भी क्या होता है, जो डैमेज जो है वो पहुँचता है. हमारे अभी हमने देखा ना कैबिनेट मिनिस्ट्री चेंज हो गई है, देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबल लोग मिले. कल मैंने एक मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़ा और वो मुझे बहुत अच्छा लगा. उन्होंने ये कहा कि जो मैं मिनिस्ट्री अभी तक के देख रहा था वो बहुत अच्छे से चल रही थी, और मेरा ये है कि मैं उसे और आगे लेके जाऊँ. तो ये स्पिरिट होना चाहिए हर एक वर्कर के इसमें कि पहले जिसे किया है उसने भी अच्छा ही किया हुआ है, और सिर्फ मैं क्या करने वाला हूँ, उसे और आगे लेके जाने वाला हूँ. तो सबका मोरल जो है वो बना रहेगा, और ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी अचीव होते जाएंगे. ओके, देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन प्लेसमेंट, क्या प्रॉब्लम्स है जो हम लोग फेस करते हैं? तो है एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम